कल रात 8 बजे के करीब मुझे एक लाइन ऑपरेटर का कॉल आता है और वो मुझसे ये कहते हैं कि उनको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एज अ ऑपरेटर। वो मुझसे ये भी कहते हैं कि वो ऑटोमेशन फील्ड में काम करना चाहते हैं एज अ PLC प्रोग्रामर, पर उनको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे वो PLC प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे आप लोग PLC प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो, और इसी के साथ मैं आपको PLC प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर भी दूंगा जिससे आप लोगों को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिले कि कैसे हमें PLC प्रोग्रामिंग करनी है। एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे मैकेनिक्स होते हैं, हमारे इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, और इन लोगों को एक प्लांट के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होती है। पर एक PLC प्रोग्रामिंग को करने के लिए हमें अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करना है। मैं ये बात जानता हूँ, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी PLC की, पर मैं फिर भी आपको एक अप्रोच समझाऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप PLC को स्टार्ट करोगे। PLC इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में एक मेजर रोल प्ले करती है। PLC बहुत ही फ्लेक्सिबल डिवाइस है और आप उसको बहुत आसानी से प्रोग्राम कर सकते हो। PLC को हम अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जैसे हमारी रिफाइनरी की इंडस्ट्री हो गई, जैसे ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री हो गई, या फिर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो गई, और कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे हमें ऑटोमेट करना है एक प्रोसेस को, वहाँ पे हम PLC को यूज़ करेंगे। PLC प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए मैं आपको एक अप्रोच समझाऊंगा और पॉइंट वाइज समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट ये है, आपको पहले इनपुट और आउटपुट की अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, जिसका मतलब ये है अगर आप इनपुट्स को समझोगे, इनपुट्स में हमारे क्या होते हैं, हमारे सेंसर्स होते हैं, और अगर आपको उनका बेसिक प्रिंसिपल समझ आएगा कि सेंसर हमारा कैसे काम करता है, किस एप्लीकेशन में हमें उस सेंसर को यूज़ करना है, और मेन पार्ट है कि आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस तरह का प्रोवाइड कर रहा है जो हमारा PLC रीड करेगा, इसकी हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए इनपुट साइड पे। और आउटपुट साइड में अगर बात करते हैं, जो हमारा लोड होता है, जो हमारी मोटर्स हो सकती है या कोई हीटर हो सकता है, तो इनकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ऐसा हमारी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए जब हम एक ऑटोमेशन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और वो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब आपको एक्सपीरियंस होता है किसी फील्ड में काम करने के बाद, तो आपको मेनली अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे हमारे इनपुट्स काम कर रहे होते हैं और कैसे हमारे आउटपुट्स काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें देखते हो। मैंने जितने भी जॉब पोस्टिंग देखता हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेशन फील्ड में, हर जगह लिखा होता है एक्सपीरियंस लिखा होता है। तो अगर कोई भी आप देखते हो ये चीज़, तो इसका मतलब ये है वो ये देखना चाहते हैं कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली एक पूरे प्रोसेस की, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स बेसिकली आपको प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग होने के बाद समझ आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक PLC में अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, जैसे लैडर लॉजिक हो गया, दूसरा हमारा स्ट्रक्चर टेक्स्ट हो गया, तीसरा हमारा इंस्ट्रक्शन लिस्ट हो गया, और चौथा हो गया हमारा FPD जो हमारा फंक्शन ब्लॉक डायग्राम होता है। आप कोई भी एक लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हो, बट मेरे एक रिकमेंडेशन है आप लैडर लॉजिक से स्टार्ट करो। लैडर लॉजिक सबसे ईजी है प्रोग्राम करने के लिए एक PLC को, जिसमें हम सिंपली ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, NONC ब्लॉक्स को, और टाइमर्स काउंटर के ब्लॉक्स यूज़ होते हैं एक PLC को प्रोग्राम करने के लिए। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो अपनी PLC को प्रोग्राम करने के लिए। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको कंट्रोल सिस्टम अच्छे से समझ आना चाहिए, चाहे वो उसकी थ्योरी क्यों ना हो। अगर आपको कंट्रोल सिस्टम के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तो जो आपको जो प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग है वो आपको और अच्छे से समझ आएगी, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीडबैक हो, चाहे वो एक PID कंट्रोल सिस्टम हो, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं और जो कंसेप्ट्स हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं जब आप एक पूरा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हो यूजिंग अ PLC। चौथा पॉइंट ये है कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितनी सारी PLC पे काम किया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि आपको अलग अलग PLC पे काम करना है, सीमेंस हो गई, एलन ब्रैडली की हो गई, ओमरॉन की हो गई, मित्सुबिशी की हो गई, या डेल्टा की PLC हो गई। बट मेरा एक ओपिनियन इसमें ये है कि आप मास्टर तब बनते हो जब आप कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो या नहीं। आप कितने भी PLC कर लो मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है आप एक PLC को मास्टर करके क्या आप कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो अगर आप बिगनर हो तो कोशिश करना एक PLC को मास्टर करना, और जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है, या किसी की आप नेट पे बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती है,
आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ये पॉइंट मैं एज अ बिगनर के लिए बता रहा हूँ, अगर कोई ऑलरेडी प्रोफेशनली वर्क कर रहा है तो वो और भी PLCs पे काम कर सकता है, बट जो फ्रेशर है या जो फर्स्ट टाइम PLC पे काम करेगा उसको सिर्फ एक PLC को मास्टर करना चाहिए कि उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी समझ आए और फिर उसको कैसे एक एप्लीकेशन में यूज़ करना है वो भी समझ आए। पांचवें पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कौन कौन से PLC सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो और मैं आपको उसकी फ्री में डाउनलोड लिंक भी दूंगा जिससे आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ सॉफ्टवेयर में एक ऑनलाइन सिमुलेशन का भी मोड होता है जिसका मतलब ये है आपको PLC परचेज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ PLC के सॉफ्टवेयर को रन करना है और आप उसमें ऑनलाइन ही चेक कर सकते हो कि इनपुट्स और आउटपुट्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो पहला PLC प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है हमारा CX प्रोग्रामर जो ओमरन कंपनी के PLC को प्रोग्राम करने में हम यूज़ करेंगे। तो फाइल पे जाके आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आप कोई भी अपनी PLC को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका मॉडल होएगा या सीरीज होएगी आपकी बेसिकली PLC की, फिर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मेरी CP1A की मेरे पास PLC है तो ये मेरा खुल जाएगा मेरा IDE। अब यहाँ पे मैं NONC के ब्लॉक्स लगा के उसको भी बहुत आसानी से प्रोग्राम कर सकता हूँ। ओमरन में मेरे को बहुत सारे एडवांस फंक्शन मिलते हैं, वो जब आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना ईजी है इसको प्रोग्राम करना और आप इसको बहुत डेप्थ में एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको ट्रांसफ़र टू PLC यूज़ करना है या फिर आप PLC से भी आप प्रोग्राम ले सकते हो इस प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से। दूसरा PLC सॉफ्टवेयर है हमारा सिलेक्ट कंपनी का सेल प्रो 5.3.7। आप इसमें देख सकते हो आप अपनी कोई भी PLC का जो मॉडल होएगा सिलेक्ट का आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और उसको बहुत आसानी से प्रोग्राम कर सकते हो। तो आपको प्रोग्राम करने के लिए आपको फाइल पर जाके न्यू पर क्लिक करना है और फिर वहाँ पर एक नई विंडो खुलेगी, आपको अपनी PLC सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फिर आप वहाँ पे अपने लैडर लॉजिक को आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो आपको देखो आपको यहीं पे ही ब्लॉक्स मिल जाते हैं NONC के ब्लॉक्स। और इस PLC सॉफ्टवेयर में खास बात ये है आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के सिमुलेशन मोड भी मिलते हैं। तीसरा PLC प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हमारा डेल्टा कंपनी का है जो है ISP सॉफ्ट। तो सबसे पहले आपको एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर खोलना है जो डेल्टा कंपनी का ही होता है, तो आपको राइट क्लिक करके इसको ओपन करना है। फिर आपको जो भी आपका ड्राइवर जो बेसिकली कनेक्टेड होएगा या PLC कनेक्टेड होएगी इसके साथ, आपको देखना है किस पोर्ट पे जाके कनेक्टेड है और कनेक्शन टाइप क्या है, वहाँ पे RS-232 है या फिर RS-485 है। तो आपको फिर ISP सॉफ्ट को ओपन करना है या ISP सॉफ्ट का वर्जन है लेटेस्ट वर्जन है 3.10। तो ओपन होने के बाद आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी, फिर आपको फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करना है। फिर आप न्यू में आपकी जो भी PLC का टाइप है या कंट्रोलर टाइप है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका मॉडल होएगा बेसिकली डेल्टा सीरीज की जो PLC है आपको सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम पे जाके न्यू पे क्लिक करना है और फिर आपको एक और विंडो खुलती है जहाँ पे आप लैडर लॉजिक को प्रोग्राम करोगे। तो आपको NONC के ब्लॉक्स भी ऊपर मिल जाएंगे। यूजुअली मैं इसमें प्रेफर करता हूँ कि बाय कोड प्रोग्रामिंग करूँ, हर एक NONC ब्लॉक का शॉर्टकट मिल जाता है वो आपको डेटा शीट पे मिल जाएगा। टूल्स में जाके आप कम्युनिकेशन सेटिंग्स में जाके PLC सिलेक्ट कर सकते हो और फिर आप इनको यूज़ कर सकते हो PLC को प्रोग्राम करने के लिए। मेरा एक छोटा सा सजेशन है आप लोगों के लिए कि अगर आपको PLC प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बनना है तो वो आप तब बनोगे जब आप इस फील्ड में अपने हाथों को रंगोगे। इसका मतलब ये है कि जब तक आप प्रैक्टिकली वर्क नहीं करोगे एक ऑन साइट में जाके और वहाँ पे PLC इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आपको ढंग से PLC प्रोग्रामिंग समझ नहीं आएगी कि कैसे हमारे इनपुट्स एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं और कैसे हम आउटपुट्स को यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें तब समझ आती है जब हम एक प्लांट में जाके काम करते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप ये सारी नॉलेज ले लो कि जो आपको ऑनलाइन समझ आ रही है या फिर आपने खुद टेस्ट करके देखा, फिर आपको इसको रियल लाइफ में यूज़ करना है क्योंकि वहाँ पर आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में ऑटोमेशन चल कैसे रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने सारे PLC प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उनको रेफर कर सकते हो और आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करते हो डाउनलोड करते वक्त तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा जिससे मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।